ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की है और छोटा पैकेट बड़ा धमाका लग रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है किंजा। किंजा क्या करती हो? मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो व्लॉगिंग का कैसे सोचा किंजा ने? व्लॉगिंग का बस ऐसे ही जहन में आ गया कि जब इतनी आवाम, इतनी पब्लिक ये काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी अपना टैलेंट जाहिर करवाएं। तो बस स्टार्ट। क्या टैलेंट है किंजा में? टैलेंट तो फिलहाल तो डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, प्रैंक्स करते हैं हम, चैलेंजेस करते हैं, तो उसी के साथ भी डेली व्लॉगिंग हो गया। मुझे बताओ सपोर्ट कौन कर रहा है, मामा या पापा? मुझे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी सपोर्ट है कि मैं जितना कहूँ उतना ही कम है, मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि चैलेंज क्या करते हो आप? चैलेंज इसमें हम 24 आवर्स कुछ भी चैलेंज कर लेते हैं, 24 आवर्स एट अ रूम और 24 आवर्स एट अ किचन हो गया, या मेरी बहन जो है इसके साथ ज़्यादा प्रैंक्स करती हूँ, चैलेंजेस करती हूँ, तो ये है। तो बहन जो है वो डर जाती है प्रैंक्स में या नहीं? डरती नहीं है, खैर इसको समझाना बहुत पड़ता है, डरती नहीं है, हर काम में आ गया, मुझसे भी आ गया ये। क्या बनना है इंशाल्लाह फ्यूचर? मैं बन जाऊँ प्रैंक स्टार बन जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि वाकई में मीडिया का इतना स्कोप है ना कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कमा भी सकते हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। बेशक बेशक। तो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें जिस तरह आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताओ कि क्या कहना चाहोगी देखने वालों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, उनको उनके घर वालों की सपोर्ट होनी चाहिए, अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत कुछ बन के दिखाएंगी, और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए आपको बस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, किंजा व्लॉग्स 531 मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको देखिएगा, इनके शो को देखिएगा, बहुत अच्छा शो करती हैं। आपके अंदर बोलने की कैपेसिटी है, बहुत आगे चली जाएगी। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। इससे भी ज़्यादा बोल, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं। चलो मुझे बताओ कि फ्यूचर में तो आप इंशाल्लाह हमें बड़ी ब्लॉगर नज़र आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैंने इंटर रिसेंटली क्लियर किया है, अब एडमिशन लेना है, खुलेंगे, ओपन होंगे तो फिर एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह। फील्ड मेरी मेडिकल की है तो आगे देखेंगे, जिसमें एडमिशन मिला ले लेंगे। चलो इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि साथ साथ मेरी एक सलाह है कि साथ साथ जॉब करना मत भूलिएगा, वो थोड़ी बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप करके बाहर निकलते हैं ना, डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं, तो हमेशा यही होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो एक्सपीरियंस जो है ना वो साथ साथ गेन कर लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो, आपने कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना चाहिए। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लड़की है और देखकर मैं दंग रह गई हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं यहाँ पर कैसे आना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? देख के ज़्यादा अच्छा हाल हो गया। बहुत अच्छा। बताएं यहाँ पे कैसे आना? शॉपिंग के लिए ही आए हैं, आपको पता है जैसे अभी ईद आने वाली है तो हमने कहा ज़रा जल्दी जल्दी काम शुरू करें। क्या पहन कर बिजलियाँ गिरानी है? बस देखेंगे कुछ ऐसा जो सूट करता हो, अच्छा लगता हो, जो किसी और के पास ना हो। हाय, लड़कियों को यही होता है कि किसी और के पास ना हो। मुझे बताएं क्या पहनना है, फ्रॉक पहनना है, शलवार कमीज, ट्राउजर शर्ट? मैं शलवार कमीज ही करूँगी। अच्छा ठीक है, कौन से कलर की? इट डिपेंड्स, जो अब मिल जाएगा अच्छा, जो उस वक्त आंखों को अट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि अभी तो शॉपिंग स्टार्ट की है ना। तो लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सेटिस्फाई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। टू मच। क्या अचीव किया है लाइफ में और क्या अचीव करना बाकी? अचीवमेंट्स तो आपको पता है मैं चलती रहती हैं, जैसे जैसे आप इंसान के गोल्स जो हैं वो अपने वो सेट करता जाता है ज़िंदगी में, आपकी वो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आप बनाते जाते हैं, तो अचीवमेंट्स अभी तक तो ये हैं कि अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है, और हक के साथ खड़े रहना और स्टैंड करना, मेरे ख्याल में आप अपनी ज़िंदगी में ये बहुत जो है ना जल्दी अगर सीख जाएं कि आपने अपने डिसीजंस के साथ स्टैंड करना है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लोग बहुत देर तक कंफ्यूज रहते हैं अपने ही फैसलों के साथ, उनकी कंफ्यूजन चलती रहती है। आपने बहुत अच्छी बात की, मेरे भी अक्सर जानने वाले हैं तो कसम से वो कन्फ्यूज ही रहते हैं कि अगला स्टेप लें क्या हम, और हम ले के फारिग भी हो जाते हैं। चलो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से इन फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखिए 5-6 सालों में, क्या गोल्स हैं? 5-6 सालों में तो मैं अपने आप को देख रही हूँ कि आप अपने आप को ज़्यादा बनाऊँ अफेक्टिव फॉर माई फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली को जहाँ तक मेरी कैपेसिटी या मेरा पोटेंशियल अपना यूटिलाइज करूँ, और अपनी फैमिली को जहाँ तक हो सके सपोर्ट करती हैं। जी करती क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। ज़बरदस्त हो गया, मुझे ये बताएं कि टीचिंग के अलावा क्या एक्टिविटीज़ है आप? टीचिंग के अलावा आई एम अ टोटली हाउस होल्ड गर्ल, मीन्स मुझे घर के काम, मतलब कुकिंग
और शादी के कब इरादे? शादी, मेरी शादी अभी रिसेंटली हुई है। मुझे पता है हस्बैंड अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है हस्बैंड की बुरी आदत क्या है जो आप कहते हो यार ये तो शादी से पहले मुझे पता ही नहीं थी, ये तो खराटे भी लेते हैं। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी आदत है कि वो खराटे बहुत लेते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि वो खराटे लेते हैं। बाद में पता लगा मुझे। हाँ अभी पता चला है कि वो खराटे लेते हैं। एक वो जो सबसे ज्यादा मुझे इरिटेटिंग उनकी एक लगती आदत, जो कि पहले वो इज माई फर्स्ट कजन, तो पहले मुझे जाहिर है हम इतना क्लोजली इंटरेक्शन तो नहीं होता, तो मुझे उनका ना इस चीज़ को पहले कभी मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पता चला उनसे कोई भी बात पूछे तो वो ठीक है ज़्यादा बात नहीं, मीन्स के वो कोई अपनी ओपिनियन नहीं देते, वो मुझे कहते हैं तुम कर लो, जो मुझे कंफ्यूज कर देता है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये माशाल्लाह ना अच्छे मर्दों की निशानी होती है। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए और मैं कलर करवा के भी चली जाऊँ तो मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता होता कि सब बालों में कुछ कराया है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो चले ये भी अच्छी बात है। ज़्यादा बोलने वाला हस्बैंड भी बहुत कई लोगों को नहीं पसंद होता, कई लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन वो भी होती है, तो शुक्र मनाना चाहिए। अल्लाह ताला आगे से बेस्ट रखे और इंशाल्लाह जब हम फ्यूचर में आपको देखें तो आपके नन्ने मुन्ने काके कुके भी हों इंशाल्लाह। तो बस यही दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया बात करके। हमारे साथ बहुत प्यारे से क्यूट से कोचे से नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, क्या कर रहे हो यहाँ पे? वालेकुम सलाम, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या करते हो? कारफोर में। कारफोर में, ओके। मुझे ये बताओ खाते पीते हो कोई चीज़ें जेब में डाली? नहीं वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। नहीं इन दिनों नहीं, अगले दूसरे महीनों? नहीं वैसे भी अलाउ ही नहीं है। अलाउ ही नहीं है, ऊपर कैमरेज लगे होते? नहीं नहीं ईमानदारी से करनी होती है। मुझे ये बताओ कि कभी अम्मी ने कहा हो कि दाल मुक गई है या चीनी मुक गई है तो वहाँ से लेते हैं और बाद में पैसे दे देना, तो कभी ऐसा हुआ? हुआ है, पैसे नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर क्या मिलता है? कुछ नहीं, यूँ कहती है अगली दफ़ा ले लेना फिर। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ बस ऐसी जा रही है, गुजर रही है गुजार रहे हो लाइफ। फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स है? फ्यूचर में शादी करनी है। शादी के अलावा क्या प्लानिंग? भाई यही प्लानिंग है। वैसे ही प्लानिंग है क्या? मतलब शादी के अलावा कुछ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ सोचा? बाहर चले जाना बस यही सोचा, बाहर जाना बड़ा काम है। नहीं कुछ बेगम को भी बाहर लेके जाओगे? हाँ उसको भी ले जाओगे। चलो ठीक है, मुझे बताओ वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान सो जाता है 101 करके वापस आता है, यानी एक इंसान बढ़ जाता सो एक करके वापस आता है? व्यूअर्स जो लोग घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करें कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सो जाते हैं, इकट्ठे मिलके जाते हैं सो और एक बंदा साथ ले आते हैं। इस्तेमाल नहीं आता। अपने जैसे प्यारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस खुश रहा करें भाई, इनकी तरह उदास ना रहा करें, खुश रहा करें।